एक एग्जाम्पल, समय को देखें, युगों युगों से ये दुनिया चल रही है। यहाँ बोलते हैं चार युग हुए, लेकिन युग बदलते रहे, एक चीज नहीं बदली, क्या? कि चारों युगों में लड़ाई हो रही है। आप देख लो, सतयुग कथा पुराण में हम पढ़ते हैं देवताओं और राक्षसों की लड़ाई, देवलोक और राक्षस लोक, अलग अलग लोक, उन दोनों के बीच में लड़ाई। अगला युग आया त्रेता युग, राम और रावण का युग, उसमें भी लड़ाई। लड़ाई कॉमन है, युग चेंज हो गया, बट एक फर्क आ गया कि जो एनिमी का डिस्टेंस है वो कम हो गया। जो दो लोक के प्राणी थे, अब दो देश के स्वामी आपस में लड़ रहे हैं। फिर आया द्वापर युग, युग चेंज हो गया, लड़ाई कॉमन है, लेकिन और फर्क आ गया, एनिमी का डिस्टेंस और कम हो गया। एनिमी खुद की फैमिली में ही है, भाई भाई में लड़ाई। और करते करते हम पहुंचे इस कलयुग में, अब भी लड़ाई है, हर व्यक्ति लड़ रहा है किसी से न किसी से, किससे? खुद के मन से। एनिमी का डिस्टेंस इतना कम हो गया, एनिमी रहा ही नहीं, आपके और मन के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। ये सारी लड़ाई, हम अगर दुखी हैं तो किसी और की वजह से नहीं, खुद अपने मन की वजह से दुखी है। अब देखें, पिछले युग में सुदर्शन चक्र था, क्योंकि एनिमी था एक फिजिकल फॉर्म में, तो वेपन की रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं, लेकिन अब तो कोई फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, इसलिए शायद बहुत पॉपुलर जो सुदर्शन क्रिया है उसकी जरूरत पड़ी। क्यों? हमें अपने मन को ही जीतना है। मेक सेंस?